हे गाइस, लेके आ गया हूँ गुम है किसी के प्यार में सीरियल की अपडेट लेकर। तो गाइस, हम लोग को आने वाले एपिसोड में देखने को मिल सकता है, सही है, वो मंदिर के पास खड़ा रहता है और दिया अचानक से बुझने लगता है, तो तुरंत वो पापा और मम्मी को बुला लेता है, यानी कि रजत और सवि को बुला लेता है। सवि और रजत दोनों फेस टू फेस हो जाता है और यहाँ पे थोड़ा देर के बाद रजत का हाथ वो दिए से जल जाता है। तुरंत वही क्या करते हैं, सवि तुरंत चले जाता है और आइस क्यूब लेके आके उसका जो जहाँ पे लगा है चोट वहाँ पे सेक देता है। तो उसी टाइम क्या करते हैं, रजत उसको फेंक के चिल्लाने लगता है, सही रजत के चिल्लाने देखकर वो वहाँ से भाग जाता है। तो वहीं पे सभी बताता है कि आपका कुछ नहीं हो सकता है, आप किसके सामने चिल्ला रहे हो वो तो देख सकते हो, आप बच्चे के सामने चिल्ला रहे हो तो ये तो आपका कुछ नहीं हो सकता, ऐसे करके सीन आगे हम लोग को देखने को मिलेगा। और उसके बाद हम लोग को देखने को मिलेगा रजत का मुँह में किसी कारण चोट आ जाता है, मुँह से खून निकलने लगता है, तो वहीं पर डॉक्टर के पास ले जाएगा, सभी डॉक्टर के पास ले जाएगा और वहीं पर थोड़ा कॉमेडी सीन होगा कि डॉक्टर को बोलेगा सभी कि इसको इंजेक्शन दे दो और इंजेक्शन देके इसका ठीक करो, ये फाइट कर रहा था, फाइट करते ही इसका मुंह में लग गया। तो ऐसे सीन हम लोग को देखने को मिलेगा और आगे भी हम लोग को देखने को मिलेगा सभी और रजत के बीच थोड़ा टक्कर होगा और यहीं पे क्या होगा कि सभी बताएगा कि मैं सही को जन्म तो नहीं दिया हूँ लेकिन मेरा और सही के रिश्ते के लिए कोई सबूत की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा सीन हम लोग को देखने को मिलेगा आने वाली एपिसोड में। तो आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट अपडेट के साथ।